Tamadi devam purusho puranam tamalvarnam suhitavataram apar sansar samundra setum bhajamahi bhagavato sarupam. Srisila Bhakti Siddhanta, Srisila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada ji ne bataye, Thakur ji jis kisi avastha mein humko rakhe usi avastha mein santusht hona chahiye. Apna kiye hue karm ka phal sare baddhajeev bhogte rehte hain. और जिस किसी अवस्था में रहे इसको ठाकुर जी का कोरोना मान के चले तो अच्छा है, यही ठीक है. मान के चले नहीं, यही ठीक बात है. जिस किसी अवस्था में हम रहे ठाकुर जी रखे, इसी अवस्था में हम विचार करें कि यही ठाकुर जी का कृपा है. जिसको गुरुवर्गों ने बताया शास्त्रों का सिद्धांत हो, तत्ते अनुकंप्याम सुसमीक्षमानम भुंजान एव आत्मकृत विपाक्यम हृद्वाग बपु विदधत नमस्ते जीवे तो मुक्ति पौधे जीवे तो भक्ति पौधे सौदाय भाग. ये जो श्लोक बताया ये कोई मामूली श्लोक नहीं, इसका ऊपर बड़ा लंबा चौड़ा चर्चा होनी चाहिए समय के अभाव के कारण और आप लोगों का रुचि के अभाव के कारण. ये दुर्भाग्य के कारण और जो अमृत मिलना है वो जितना बरसना है वो उतना बरस नहीं पा रहा है. जो भी है तत्ते अनुकंपाम सुसमीक्ष मानो, एक भगवत भक्तों का यही विचार है. जिस अवस्था में रहे, चाहे सुख में रहे दुख में रहे, जिस अवस्था में भी रहे, उस अवस्था में ठाकुर जी का करुणा को दर्शन करना, इसके नाम तत्त्व अनुकंपम. तत्त्व अनुकंपम इसका माने है जिस अवस्था में ही हम रहे, सारे ठाकुर जी का करुणा है हमारे ऊपर. यदि ठाकुर जी को अगर करुणामय माना जाए, ठाकुर जी को चरम मंगलमय माना जाए, तो ठाकुर जी का किसी क्रियाक्रम में हम दोष आरोप नहीं कर सकता. हमारा लड़का का बीमार हुआ, हमारा फलाना हुआ, तो ठाकुर जी का कुछ दया ही है नहीं, हम किस लिए अर्चन करें पूजा करें. ये जो भाव है ये अभक्त का भाव है, भक्तों का भाव ऐसा नहीं. जब भी कोई समस्या है तो तब सोचे कि ठाकुर जी का कोई दया नहीं, ठाकुर जी मंगल नहीं करता हमारा. मंगल का कोई स्वरूप का ज्ञान किसी को हो जाए तो ऐसा कभी नहीं बोलेगा. सबसे बड़ा बीमारी है ठाकुर जी को भूल जाना. शास्त्रों में ये बताया सबसे बड़ा मुसीबत क्या है, ये ठाकुर जी को भूल जाना. ठाकुर जी याद नहीं रहते हमारा, सबसे बड़ा बीमारी है. इसलिए शास्त्रों में विचार करके बताया जो सततम स्मरेत विष्णु विस्मर्तव्यम न यातु उचित. हर वक़्त ठाकुर जी को याद रखना और कभी भूलना मत. तमाम जो शास्त्र है, अखिल शास्त्र, दुनिया में जितना सारे सत्शास्त्र है, तमाम शास्त्रों को लेकर बैठो, विचार लगाओ. ठाकुर जी का कृपा लेकर गुरु वैष्णव का सिद्धांत तो यही निकलेगा जे सततम स्मर्तव्य विष्णु विस्मर्तव्यम न यातु उचित.
हर वक्त एक विधि है और एक निषेध है। तमाम शास्त्रों का एक विधि एक निषेध, ये करना चाहिए वो नहीं करना चाहिए, ये करना उचित है, जितना सारे नियम है सबका पीछे एक रहस्य है, सबका पीछे एक रहस्य है। ये दो चीज, एक तो ठाकुर जी को भूलना नहीं, आदुस ए है निषेध, विधि है ठाकुर जी को याद रखना। ये दो विधि निषेध को सामने रखते हुए जितना सारे शास्त्रों का विचार हुआ, और ये श्लोक का भी हमने बहुत बार चर्चा किए हैं, जो जो मुसीबतें आपका जिंदगी में आ रहा है ये वास्तविक मुसीबत नहीं। आप कहते हो कि मुसीबत है, समस्या है, इतना लॉस हो गया बिजनेस में, फलाना हो गया, इतना समस्या हो गया जमीन जायदाद लेके, ऐसा आप कह सकते हो, लेकिन मुसीबत ये नहीं है। मुसीबत कौन है इसका बारे में हम चर्चा किए हैं बहुत बार। विपदो नैव विपदो, संपदो नैव संपदो, विपदो विस्फरणम विष्णु, संपदो नारायण श्रुति, विपदो नैव विपदो, संपदो नैव संपदो, विपदो विस्फरणम विष्णु, संपदो नारायण श्रुति। विपदो विस्फरणम विष्णु, हमारा सामने अभी बड़ा अच्छा दिन आ गया, ये अच्छा दिन नहीं, और हमारा बड़ा कष्ट का दिन आ गया, ये भी ठीक नहीं। विपद तो वह है जो विपद को आप मानते हो असली विपद नहीं है, संपद जो मानते हो ये वास्तव संपद नहीं है, वास्तव विपद है ठाकुर जी को भूल जाना, ये सबसे बड़ा विपद है। पितामह भीष्म का बात काल उठाया था, सारे दुनिया तमाम दुनिया अर्थ का गुलामी कर रहा है, अर्थ किसी को गुलामी नहीं है, किसी का गुलामी नहीं कर, उसका गुलामी सब करता, ये नियम है। और विचार करके देखो किस लिए ये सब बात उठाया, कोई तो कारण तो जरूर होगा, का आज ये सब बात उठाया क्यों, इसलिए उठाया ये कुंती देवी का जिंदगी देखो, पांच पांडवों का जिंदगी देखो, तो थोड़ा बहुत सीखा आ जाएगा। हृदय से संतों का पास आओ, हृदय लेके नाटक मत करो, जो वास्तव एक शुद्ध वैष्णवों का पास हृदय लेके आता है वो तो मालामाल उसको हो जाता है, लेकिन वास्तव हृदय लेके कोई नहीं आता। पांच पांडवों का जिंदगी देखो, कितना समस्या है। पितामह भीष्म जी ने इस बात को खोला रोते हुए, सर्वसज्जा में पड़े हुए हैं, सर्वसज्जा इच्छा मृत्यु है, इच्छा मृत्यु है पितामह भीष्म, और सर्वसज्जा में तीर बिंधे हुए हैं पूरा तमाम शरीर पे, और इस अवस्था में सोए हुए हैं, कोई कष्ट नहीं है। और जब पांच पांडव को लेकर कृष्ण भगवान स्वयं पहुंचे, ऋषि मुनियों का जितना सारे झुंडू सारे पहुंचे, क्यों, पितामह विश्व का दर्शन करने के लिए। और पितामह विश्व सोचते हैं कि हमको कृष्ण दर्शन देने के लिए आए कृपा करके। उस टाइम रोते हुए बताए युधिष्ठिर का पास कृपा वर्षण किए और बोले, ये तुम्हारा तुम लोगों का ऊपर इतना मुसीबत है, जहां कृष्ण तुम्हारा पक्ष में है, कृष्ण जो है परात्पर अखिलेश्वर, साक्षात परात्पर अखिलेश्वर कृष्ण स्वयं रूप भगवान,
अनंत ब्रह्मांड नायक, साक्षात ओ कृष्ण तुम्हारा पक्ष में है और तुम्हारा इतना कष्ट, सोचने वाला बात है। कृष्ण स्वयं तुम्हारा पक्ष में है और तुम्हारा जिंदगी में इतना कष्ट, तुम लोगों का जिंदगी में कोई वनवास है और सती सावित्री ओ लक्ष्मी जैसी वो द्रौपदी का वस्त्रहरण, 12 साल वनवास, ये सब तो हैरान की बात है, कैसे हो पाया। इसी का विचार जितना सारे पहुंचे हुए संत महात्मा अपना अनुभव के द्वारा पुष्ट, ये सब बात धीरे धीरे विचार करके बताते हैं। बोले ये कष्ट नहीं है, वास्तविक है जो 5 पांडव का जो कष्ट है पूरा, इतना कष्ट है, इतना कष्ट है, पहले से शुरुआत से लेकर अंतिम तक देखो। 5 लड़का को मार डाला, कातिल कर दिया, अश्वत्थामा ने कल बताया था, ऐसा कष्ट है फिर भी वो कृष्ण को नहीं छोड़ा। कभी बोला नहीं कृष्ण क्या है, तुम साक्षात भगवान हो, हमारा साथ हो और हमारा ऐसा, हमारा जिंदगी में ऐसा ऐसा मुसीबत है, ऐसा कभी बोला? कभी नहीं बोला। क्योंकि इसमें एक विचार है, ठाकुर जी निजीजन अपना आदमियों को ऐसा अवस्था में डालकर जगतवासी को शिक्षा देते हैं। क्योंकि कष्ट नहीं है पंच पांडवों का जिंदगी में, तो दुख कष्ट कुछ नहीं है, क्योंकि दुख और कष्ट का व्याख्या पहले ही हम कर दिया। कृष्ण भगवान का जो चिंतन का अभाव इनके जिंदगी में है नहीं, भगवान को भूल जाना ही कष्ट है, ये तो है नहीं। हर वक्त इन लोगों का जिंदगी में कृष्ण ही कृष्ण, जहां देखे जो कुछ भी करे, कुछ भी विचार करे, उसमें कृष्ण छोड़ के कुछ है नहीं। तो कृष्णो परम सुख स्वरूप है, कृष्णो स्वयं सुख स्वरूप है, इसलिए एक संत महात्मा उसका पास कोई संपत्ति नहीं है, लेकिन सबसे दुनिया का सबसे बड़ा संपत्ति है कृष्ण, उसको लेके जंगल में बैठे रहते, आनंद से घूमते हैं, कोई कष्ट नहीं, क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ा संपत्ति तो है कृष्ण, परम सुख स्वरूप, सुख की निलय है, सुख की आकर है। तमाम दुनिया में जो सुख बोल के जो चीज तुम महसूस करते हो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तमाम ये सुखों का सोर्स है कृष्ण, कृष्ण छोड़कर और परम सुख की जो निदान है सोर्स है कोई नहीं। इसलिए 5 पांडवों का जिंदगी में कोई कष्ट नहीं है। आप देखते हो इतना कष्ट है, पहले भी हम कह चुके हैं, एक संतों का जिंदगी में बड़ा अभाव, मठ नहीं है महाराज, मठ नहीं किए, कुछ नहीं है, ऐसा देखते हो, हम ऐसा विचार करते हैं, बड़े बहुत सारे अभाव आप देखते हो संतों का, ये नहीं है वो नहीं है, लेकिन पहुंचा हुआ संत जो है उसका जो उसका तो एक चीज का कोई अभाव नहीं है, किसी चीज का तो अभाव है ही नहीं दिल में। अगर आप सोचो कि अभाव है, ठीक है अभाव है, लेकिन भाव का कोई अभाव नहीं है, हृदय में जो भाव है वास्तव भाव, भाव का कोई अभाव हो जाए महाराज, उससे बढ़कर नंगा कोई नहीं है। सबसे बड़ा भिखारी वो है जिसका दिन में जिंदगी में भाव का अभाव है, भजन में आए हैं, लगे हुए हैं, कुछ कुछ सब कर रहे हैं, लेकिन भाव का अभाव है। ये सब मठ मंदिर जो है प्रचार के लिए स्थापित किया गया, बड़ा दुख की बात है, ये सब मठ मंदिर जो है प्रचार के लिए स्थापित किया गया, कहाँ वो वैष्णव लोग, हम तो रोते रहते हैं, कहाँ परम पूज्य किशोर गोस्वामी महाराज आ जाओ, कहाँ परम पूज्य श्रीधर गोस्वामी महाराज आ जाओ, ऐसा रोते रहते हैं, क्योंकि वो लोगों के बिना मेरा दिल में आनंद नहीं होता। आज जो समाज है इसमें मेरा कोई आनंद नहीं है, ऐसे तो अंदर में अंतर में हर वक्त ये लोगों का संग चलते रहता है गुरुवर्गों का, फिर भी
प्राकट्य में भी हमारा इच्छा है, कई बार मैं प्रार्थना करता हूँ केशव महाराज जी को, आप जैसा संत आ जाओ, आप आने से समाज का थोड़ा अब ऐसा हो गया, कोई इस बारे में सायंकालीन अधिवेशन में हम बताएंगे प्रचार किसको बोला जाता है, आज हालत कैसा है, ये सब विषय में हम थोड़ा चर्चा करें। तत्ते अनुकंप्याम सुसमीक्षमान बुंजान एव आत्मकृतम विपाकम हृद्वाग बपुभिर विदधत नमस्ते जीवे तो भक्ति पदे सौदाय भाग। ऐसे भागवत में लिखा है मुक्ति पदे सौदाय भाग, इसका बारे में सायंकालीन अधिवेशन में हम चर्चा करेंगे। ये मुक्ति पदे लिखा हुआ है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु के सामने सार्वभौम भट्टाचार्य जो जी भक्ति पदे जीवे तो भक्ति पदे सौदाय भाग ऐसा व्याख्या की, लेकिन ठाकुर जी चैतन्य महाप्रभु असंतुष्ट नहीं हुए, संतुष्ट हुए। किस लिए? भागवत का एक भी शब्दों को परिवर्तन करना नहीं चाहिए, एक भी, लेकिन इधर जो परिवर्तन है ये प्रेम के द्वारा परिवर्तन, इसमें कोई दोष नहीं होता, ये प्रेम के द्वारा। जैसे त्रिनादु विष्णु चेनो तरोरीव सहिष्णुना, ये श्लोक का ये ऐसा ही था, लेकिन एक भक्तों ने इसको चेंज करके तिनाद विष्णु चिन्ह तौरो रूपी सहिष्णुना लिख दिया था। अब प्रभुपाद का बाद पास शिकायत आ गया था, और अत्यंतदास ब्रह्मचारी ये अत्यंतदास अधिकारी जी आपका ये चेंज कर दिया, तिनाद विष्णु चिन्ह तौरो रिबो सहिष्णुना था और वो तौरो रूपी सहिष्णुना लिख दिया। प्रभुपाद ने मुस्कुराया, बोला ठीक ही लिखा, अरे कितना सुंदर भाव है गुरु वैष्णव का, क्या भाव है, साक्षात ठाकुर जी को साक्षात भगवान को सर झुकाना पड़ता, साक्षात जो भगवान है श्री कृष्ण ठाकुर भगवान, ठाकुर जी को सिर झुकाना पड़ता, संत महात्मा का जो भाव है इस भाव का आगे ठाकुर जी को सिर झुकाना पड़ता। कई उदाहरण है, एक नहीं है, जो भी है। आज कुंती देवी का ये जो ऐसा स्थिति, काल हम कह चुके गे उत्तरा सायंकालीन अधिवेशन में जो बात हम छोड़ दिया अभी चर्चा, सायंकालीन अधिवेशन में हम चर्चा करेंगे। ये जो आपका कुंती देवी का जिंदगी में जितना कष्ट, अभी भी कष्ट का कोई अंतिम दशा नहीं, शेष अभी भी कष्ट चल रहा है, अभी भी चल रहा है। यहां देखो उत्तरा देवी भागी हुई आई और कृष्ण भगवान को प्रार्थना की, हमारा ओर ऐसा आ रहा है, पांच पांडवों का जो खानदान है इसमें जो शेष जो संतान बीज, ठाकुर जी कृपा करो ये ना नाश हो जाए, हम मर जाए भला, भला हम मर जाए उसके कोई नुकसान नहीं नहीं। ठाकुर जी ने उत्तरा का गर्भ में प्रविष्ट हुआ, ठाकुर जी का कैसा करुणा, प्रविष्ट होके संतान बीज अर्थात परीक्षित महाराज को रक्षा कर दिया, परीक्षित महाराज को रक्षा कर दी। और ये सब समस्या का समाधान करने का बाद जब ठाकुर जी समस्या का समाधान हो गया, अब ठाकुर जी दारुका को जा रहे, दारुका का ओर जा रहे हैं, और दारुका का ओर जब जा रहा है तो कुंती देवी स्तुति शुरू कर दी। कुंती देवी बुआ, कुंती देवी बुआ लगता है, अब बुआ का कई बार भगवान श्री कृष्ण बार बार बुआ का पैर छोके दंडवत करते, अपना सर को बुआ जी का चरण में रखकर दंडवत करते ठाकुर जी, ये तो साक्षात भगवान, लेकिन बुआ जी जो है कुंती देवी इतना प्यार करते, इतना स्नेह है जो गले लगा के प्यार करते, चुम्बन करते,
अब आज बुआ जी का क्या हुआ कि बुआ जी लंबा चौड़ा स्तुति करना शुरू कर दिया। वो बुआ जी है जो आज लंबा चौड़ा स्तुति करना शुरू कर दिया, पहले तो ये सब नहीं किया, पहले गले लगाया, चुम्बन किया, कैसे है तू बता कृष्ण, ऐसा आज स्तुति किया। स्तुति करते करते क्या दो चार शब्द हम बताएंगे, बहुत लंबा है। कुंती देवी का ऊपर, कुंती स्तुति का ऊपर एक किताब भी निकल चुका इसी गौर पूर्णिमा में, कुंती देवी का स्तुति का ऊपर एक किताब निकला, बांग्ला में निकला, हिंदी में हो नहीं पाया अभी, बड़ा भारी पूरा विचार उसमें है, गंभीर विचार। कुंती देवी अभी कह रहे नमस्ते पुरुषम तु आद्यमीश्वरम प्रकृति परम अलक्षम सर्वभूतानाम अंतर्बहिरवस्थितम। नमस्ते पुरुषम त्वाद्यमीश्वरम प्रकृति परम अलक्षम सर्वभूतानाम अंतर्बहिरवस्थितम। कुंती देवी कह रहे हैं, अभी वो बुआ जी कह रहे हैं कि नमस्ते पुरुषम तू आद्यम ईश्वरम प्रकृति परम। आज कुंती देवी श्री कृष्ण को भगवान बोल के स्तुति कर रहे हैं, तुम ईश्वरम, तुम आद्यो ईश्वरम, ईश्वर नहीं है, अनादिरादि, अनादिरादि गोविंद बोला ना ब्रह्म संहिता में, तो आप जो है ये आदि, तो आद्यम ईश्वरम प्रकृति परम, प्रकृति का परे है ठाकुर जी, अलक्षम सर्वभूतानाम अंतर्बाहिर अवस्थितम। अंतर और बाहिर हर जगह ठाकुर जी उपस्थित है, जीवों का अंदर में परमात्मा रूप में बैठे हुए हैं, बाहर में भी ठाकुर जी लीला कर रहे हैं, हर वस्तु में, ऐसा कोई जगह ही है नहीं जहां ठाकुर जी है नहीं। लेकिन अलक्ष, नोबडी कैन सी, देखना संभव नहीं, कैसे देखे, कैसे देखे, अगर ठाकुर जी इधर खड़ा हुआ है अभी अभी इसी वक्त आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, ठाकुर जी अगर इधर खड़ा हुआ है किसी को दिखाई नहीं पड़ेगा, बोले प्रमाण दो कैसा ठाकुर जी है दिखाई नहीं पड़ेगा, नहीं, शास्त्रों का असली विचार हमारा भी, हमारा ख्याल से अब सुने ही नहीं है, बाजार का कथा सुने, हम हाँ 100% श्योर अबाउट इट, निश्चित आप लोगों का सत्संग वास्तव नहीं हुआ। जब बामन महाराज जी थे अवस्था, बामन महाराज जी तब तो बहुत सारे कथा, अब तो कथा का अभाव, स्कार्सिटी, दुर्भिक्ष लग गया कथा का, कीर्तन का, बड़ा दुख होता है हमारा, इसीलिए हम मठ नहीं बनाया, क्या करे मठ बना के, क्या करे बना के, इसका प्रमाण दे दे, ठाकुर जी अगर सामने उपस्थित है तो ठाकुर जी अगर दर्शन देना चाहे तो दर्शन दे सकता है, अगर हजारों आदमी है उसमें ठाकुर जी अगर चाहे कि एक आदमी इसको दर्शन दे, हजारों आदमी उपस्थित है उसको एक आदमी को दर्शन दे दे, एक प्रमाण हम दे दे, बोले कैसे, बोले चैतन्य महाप्रभु जब पुरुषोत्तम धाम में लीला रचा रहा था रथ यात्रा का टाइम, उस टाइम पे सातों संप्रदाय में घूम घूम कर चैतन्य महाप्रभु नृत्य कर रहे हैं, लेकिन दो एक आदमी को पता चला कि सातों संप्रदाय में सातों संप्रदाय युगपत एक ही साथ नृत्य कर रहे हैं, किसी को पता नहीं चला, एक एक संप्रदाय जो है वो सोचता है कि हमारा संप्रदाय में प्रभु है, दूसरे संप्रदाय सात संप्रदाय है, सात संप्रदाय का सात संप्रदाय में जितना सारे भक्त लोग नृत्य कर रहा है उसका विचार है कि प्रभु हमारा, हमको हमारा ऊपर कृपा करके हमारा संप्रदाय में नृत्य कर रहा है, चारों गोष्ठी हुआ, सातों, सात गोष्ठी पे, सात गोष्ठी पे नृत्य कर रहा है, लेकिन एक ही साथ नृत्य कर रहा है सात गोष्ठी पे, सात रूप पकड़कर चैतन्य महाप्रभु, राजा देखा प्रताप रुद्र राजा, सर्वम भट्टाचार्य, जो दो एक आदमी देखा किसी को पता नहीं चला,
और एक उदाहरण दे दे, कितना उदाहरण दे, बोले पानी हाटी में जब दही चीड़ा उत्सव होता है ना, सुने हो कभी? नहीं सुने हो? दही चीड़ा का उत्सव होता है, नित्यानंद प्रभु उत्सव कराया था बहुत दिन पहले। वही पानी हाटी में जब दही चीड़ा उत्सव हो रहा था, उसी टाइम पे नित्यानंद प्रभु पेड़ का नीचे बैठा, ऐसा सुंदर करके बैठ के चैतन्य महाप्रभु को बुलाया, अपना भैया को, भैया है ना गौरंग, कौन है नित्य चैतन्य भैया है नित्यानंद, वो बुलाया प्रभु आ जाओ इधर। अब प्रभु जो आ गए, आके बैठ गए नित्यानंद के बगल में, अब प्रभु जी के साथ बात कर रहे हैं। अब बाकी आदमी सोचे कि पागल हो गया क्या, किसका साथ बात कर रहे हैं? और दही चिड़ा को ऐसा हाथ में मिक्स करके बनाकर, दही चीड़ा इसको ऐसा कर, केला का साथ, आम का साथ, दही का साथ, ऐसा ऐसा करके, और एक एक ग्रास लेके ऐसा करके दे रहा है। आदमी लोग दे रहे, पागल हो गया क्या, क्या कर रहा है प्रभु, ऐसा करके ले रहा, खाओ 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 ऐसा, और नीचे में जमीन में गिर रहा। किसी को पता नहीं कि चैतन्य वहां पर आ गया, उधर बैठा हुआ है, नित्यानंद वो खिला रहे हैं उसको। ऐसा करके कई उदाहरण है, हजारों उदाहरण है शास्त्र में। इसको बोला जाता है गुप्त सिद्धांत, तो भगवान का शक्ति अनंत है, लेकिन अनंत में तीन भाग है, जीव शक्ति, चित शक्ति और माया शक्ति। विष्णु शक्ति पराप्रक्ता क्षेत्रज्ञाख्या अथा परा अविद्या कर्म संज्ञान्या तृतीया शक्ति ऋष्यते, ऐसा विचार है। लेकिन भगवान का शक्ति को मोटा मोटी तीन भाग विभक्त करो, विभाग करो, लेकिन शक्ति तो अनंत है। ये तीन शक्ति आपको दिखाई पड़ता है, तीन भाग, लेकिन ये तीन भाग में अनंत शक्ति है। ये शक्ति का अंदर एक शक्ति आता है, संदर्भ में गोस्वामी लोग लिखा है उसमें विचार करके शास्त्रों का, इसका नाम है स्वप्रकाशता शक्ति। क्या नाम है इसका? नाम है स्वप्रकाशता शक्ति। स्वप्रकाशता शक्ति किसका माने क्या है? अगर अपने को प्रकाश करना चाहे तो प्रकाश करे, इसका नाम है स्वप्रकाशता। इसलिए हम शिक्षित समाज में बोलते हैं कभी कभी, जे ठाकुर जी तुम्हारा नजर का बाहर रह सकता है, तुम अगर सोचो गुरु वैष्णव भगवान, गुरु वैष्णव भगवान का ऐसा क्षमता है, तुम अगर सामने भी आओ दंडवत करो, तुम उसका स्वरूप को दर्शन नहीं कर पाओगे, वो धोखा दे देगा। गुरु वैष्णव अगर जाने तुम्हारा अन्न में काला है तो वो तुम क्या धोखा दोगे, वो धोखा दे देगा तुमको, जा। इससे हम शिक्षित समाज में कहते रह के रहते हैं जे गुरु वैष्णव जो है भगवान जो है, गुरु वैष्णव भगवान जो है, दे कैन रिजर्व द राइट ऑफ नॉट बीइंग एक्सपोज्ड टू योर सेंस ऑर्गन। कौन समझाएगा? कोई है ही नहीं समझने वाला है, कोई समझने वाला? गुरु वैष्णव हर हालत में अपना स्वरूप को तुम्हारा सामने छुपा सकता है, छुपा के रखेगा, तुमको खुलेगा नहीं। तुम आदमी समझोगे तो आदमी है, हमारा भी खाता पीता है, गुरु वैष्णव तुम्हारा सामने छुपा सकता है। अगर कृपा हो जाए, ठाकुर जी सोचे कि इसको हम दर्शन दे दे, गुरु वैष्णव सोचे तो दर्शन दे सकता है, तुम्हारा हृदय अगर निर्मल है, पवित्र है, दर्शन दे सकता। तो अलक्षम सर्वभूतानाम, सबका सामने ठाकुर जी, ये जो अलक्षम सर्वभूतानाम अंतर बहिर अवस्थितम, ऐसा कोई जगह ही नहीं जहाँ ठाकुर जी नहीं है, लेकिन हर हालत में ठाकुर जी तुम्हारा सामने छुपके रह सकता है, दर्शन नहीं देंगे, क्योंकि तुम्हारा हृदय ऐसा नहीं हुआ। आजाब होगा तो दर्शन देंगे। कुंती देवी की तो बहुत सारे व्याख्या है, एक कुंती देवी की स्तुति लेके एक महीना तक चर्चा होगा। ऐसा कोई रसिक व्यक्ति हमारा जिंदगी में नजर नहीं आया, एक भी, चाहे बड़ा बड़ा हम देखा सन्यासी आदि सब देखा, सबका चरण में दंडवत। रसिक भक्त दुनिया में सुदुर्लभ है,
रसिक, जैसा अंतर बाहर में रस ही रस अप्राकृत, बहुत मुश्किल से मिलता है। यह बताया गया माया जवनिका छन्नम अज्ञान अधक्षजम अव्ययम न लक्ष्यसे मूढ़ोदृशा नटो नटो धरो यथा माया जवनिका छन्नम मज्ञाम अधुखजम अव्ययम न लक्ष्यसे मूढ़ोदृशा नटो नटो धरो यथा। इस बात को हम दो चार दिन पहले थोड़ा स्पष्ट किए थे, जैसे पुतली नाच होता है ना, व्याख्या किए थे ना, सुतली का द्वारा पुतली नाच होता है और किसी को पता नहीं पुतली किसे नाच रहा। कुंती देवी बोला माया जवनिका छन्न, माया के एक पर्दा आपका सामने माया देवी डाल दिया, माया देवी आपका सामने एक पर्दा डाल दिया और पर्दा का पीछे ठाकुर जी हैं। जब तक ये पर्दा को हटा दिया नहीं जाएगा तब तक दर्शन नहीं होगा। ऐसा करके कुंती देवी प्रार्थना कर रहे कि आप परमहंसानाम बल जब परमहंसानाम मुनिनाम अमलम आत्मनम, जब परमहंस है ये लोग भक्ति योग के द्वारा हर वक्त आपका दर्शन करते रहते, आपका साथ आपका हर वक्त आपका दर्शन करते रहते। बलचैन परमहंस बल जे परमहंसानम मुनीनम अमलमात्मनम भक्ति योगो विधानार्थम कथम पश्ये मोहि स्त्रियः। हम स्त्री जाति हैं, ऐसे बुद्धि कम वाले हम कैसे आपका दर्शन करें, क्योंकि जो आप भक्ति योग के द्वारा जो विशुद्ध हृदय वाले जो परमहंस गुरु वैष्णव है भक्ति योग विधानार्थम जो आप जो आए हो जगत में ये लोगों का कृपा करने के लिए, और हम कैसे आपका दर्शन करें। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च आप सर्वभूत में सर्व हृदय में आप उपस्थित हो, इसलिए वासुदेव हर हृदय में जो रहता है उसका नाम वासुदेव, हर हृदय में जो जिसका बासा है उसका नाम वासुदेव। हमारे हृदय में ठाकुर जी है, दिखाई नहीं पड़ता क्यों, भले कीर्तन में ऐसा है तुम्हारे हृदय सदा गोविंद विश्राम, कीर्तन करते रहते हैं लेकिन अनुभव नहीं होता। भले मारा हमारे हृदय में नहीं है, रहा तुम्हारा हृदय में, लेकिन तुम्हारा हृदय के बारे में तो कोई पता ही नहीं चलता कि है कि नहीं। भक्तेर हृदय सदा गोविंद विश्राम, सबका हृदय में है लेकिन भक्त का हृदय में विशेष कर में प्रकट है, आपका हृदय में है चुपचाप है पैसिव, इसका बारे में चर्चा करेंगे सायंकालीन अधिवेशन में। तो कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च देवकी नंदनाय च देवकी नंदन बोलते हैं, और नंद गोप कुमार आयो, अब कई कई बोलते हैं नंद गोप कुमार, देवकी नंदन आये छ नंद गोप कुमार आये, कभी कभी सब आदमी लोग बोलते हैं कि ये तो वसुदेव का लड़का है, देवकी और वसुदेव, लेकिन किसी को पता नहीं कि नंद महाराज का भी लड़का है, नंद महाराज का भी लड़का नहीं, नंद महाराज का ही लड़का। वो कैसे, शास्त्र में बोला है जे नंदात्मजो, शास्त्रों में विचार है नंदात्मजो, कृष्ण का नाम एक है नंदात्मजो, नंदात्मजो का मतलब नंदो का एकदम खास बेटा, वास्तव वसुदेव जी का बारे में ऐसा नहीं, नंदो महाराज के बारे में है नंदात्मजो,
नंद का ही लड़का। तो इसीलिए बताया गया कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनंदनाय च नंद गोप कुमारायो गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकज नाभायो नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्रायो नमस्ते पंकजांग्रहे। भगवान का चरण कमल का वर्णन करे तो कैसे करोगे? चरण कमल, मुख कमल, हस्त कमल, और कोई उदाहरण तो है ही नहीं दुनिया में, ऐसा कोई उदाहरण नहीं जिसको सामने रखकर आप बोलोगे ठाकुर जी का चरण ऐसा है, बोल नहीं सकते क्योंकि है ही नहीं कोई वस्तु दुनिया में। तमाम दुनिया में ऐसा कोई वस्तु नहीं है जिसको सामने रखकर आप कह सको कि ठाकुर जी का चरण कमल ऐसा सुंदर है, बोल नहीं सको कोई एक वस्तु है ही नहीं दुनिया में। ठाकुर जी का मुखमंडल का तुलना करो तो संभव नहीं कि किस चीज का साथ तुलना करोगे, कुछ तो है ही नहीं वस्तु। और जो कुछ भी ये जो शास्त्रकारों ने बताया, हाँ इतना तक कह सकोगे ठाकुर जी का चरण कमल, कमल का मुताबिक इतना तक कह सकोगे ना, चरण कमल, मुख कमल, हस्त कमल, इसका आगे कह नहीं सकोगे, कोई उदाहरण तो है ही नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण का रचना करते करते, रामायण का रचना चल रहा है चित्रकूट पर्वत, और राम जी का आविर्भाव हुआ अभी, और राम जी का जो आविर्भाव है, राम जी का आविर्भाव को दर्शन कर रहे कौशल्यानंदन, और राम जी का जो आविर्भाव हुआ, राम जी का सुंदर जो देख के पागल हो गया तमाम दुनिया, ब्रह्मा शंकर आदि आए राम जी का चरण दर्शन कर लिया। आहा, गौरंग महापू के दर्शन करने के लिए आए कितना देवता लोग। सोची मैया ने ये बात को खोली है ना थोड़ा मिश्रो, जगन्नाथ मिश्रो को कह रहे हैं हमको पता नहीं कौन कौन आके घर में चिल्ला चिल्ला कर स्तुति कर रहे, घर में बहुत भीड़ हल्ला चिल्ला हो रहा है। जगन्नाथ मिश्रो कह रहे हैं कि ये लड़का को आपका ये जगन्नाथ मिश्रो को कह रहे हैं कि सोची देवी जो ना जाने कौन सब आ रहा है दिव्य रूप आके ये घर में सब दंडवत करता है ये हमारा लड़का को निमाई को, भले कुछ भी हो हमारा लड़का का अमंगल ना हो जाए बस इतना ही काफी है, कोई भी हो सिद्ध महात्मा गंधर्वो किन्नर देवता लोग ब्रह्मा शंकर सब आते रहते आके दंडवत करते निमाई को, ऐसा राम जी को राम जी का दर्शन करने आए हुए सारे तमाम दुनिया का जितना सारे। और तुलसीदास जी हैरान हो गया, अब तो राम जी का आविर्भाव हुआ इतना सुंदर रूप है, अब हम जो रचना करने बैठे हैं कैसे लिखे, जगतवासी को कैसे चकाए कि राम जी का रूप जो है ऐसा राम रूप। यहां तक भी रावण भी ऐसा बताया, राम को बोला था मरीच किसी ने बोला, अरे तुम ऐसा काम करते सन्यास का वेश बनाना क्या दरकार था, तू राम का ही रूप बना देते। रावण ने आंखें मूंद के बोला अरे राम जी का रूप कैसे पकड़े, क्योंकि जो जो मायावी है मायावी लोगों को किसी रूप पकड़ने के लिए काय पिशाच हो राक्षस हो कुछ भी हो दैत्य दानव जो माया जानता है ना जैसे पुतना, किसी रूप को पकड़ने के लिए पहले वो रूप का ध्यान करना चाहिए। ध्यान से सुनो मेरा बात को, कोई भी रूप माया भी है ना, वो माया भी अगर किसी रूप को पकड़ना चाहते हैं हम इस रूप पकड़ के जाएंगे तो पहले आंखें मूंद के उस रूप का ध्यान करना चाहिए। जानते नहीं हो ये सब बात, सुने ही नहीं कभी। पुतना जो है पुतना राक्षसी है रुधिरासना, वो सुंदरी एकदम लक्ष्मी जी का रूप पकड़ कर आई थी। कोई भी अगर कोई रूप पकड़े, मारीच आया था ना क्या सोने का हरिण का रूप, तो जिस रूप पकड़े उसका ध्यान करना पड़े। जड़ जगत से हम एक मिसाल दे दे उदाहरण दे दे, ये जड़ जगत में ही आपका उदाहरण है, आपका आंखें आप लोग तो आंख को फोड़ के रखा है ना, दर्शन कैसे हो गए
किसी आदमी ने देखे होंगे जिसको बोलता है कैमेलियन, कैमेलियन जानते हो, गिरगिटी, गिरगिटी देखे, पैर पैर में गिरगिटी रहता है, उठता है पैर में, और जिस पैर में जाए हरा भरा रहे तो उसका शरीर का कलर उसा हो जाए, पीला पीला पैर रहे तो पीला हो जाए, हरा पैर रहे तो उसका शरीर का रंग हरा हो जाए, जिस जगह जाए पहले वो जो कैमेलियन है, अंग्रेजी में कैमेलियन बोलता है गिरगिटी, वो पैरे क्या करता है, आंखें मुद के बैठ जाता है, उसी रूप का ध्यान करे वो कलर हो जाता है चेंज, बॉडी का कलर चेंज हो जाता है। तो जड़ जगत में ऐसा मिसाल है, उदाहरण है, किसी को किसी ने देखा ही नहीं, ऐसा सुधार उदाहरण है। तो ये जो है आपका रावण बोला, हम कैसे राम रूप का ध्यान, जब भी आप राम रूप का ध्यान करने बैठे तो हमारा दिल में जितना बदमाशी है सब छूट जाता है, राम रूप देख कर मैं मशगूल हो जाता हूँ, हमारा बदमाशी नहीं चलेगा, इसलिए राम रूप कैसे हम ध्यान करें, राम रूप का ध्यान जो करे एक पल भर के लिए उसका तो मंगल ही मंगल। तुलसीदास जी राम रूप का दर्शन, राम रूप का वर्णन करने के लिए सोचे कि सूरज भगवान के साथ इसका तुलना तुरा कर दे, बाद में सोचा था ये होता कैसे, सूरज तो बोलता जल बहुत ना तेज है, और तेज वस्तु का साथ रामचंद्र का श्रीमुख खा बिंद का तुलना करे तो ये ठीक नहीं है, चलो ठीक है चंद्रमा का साथ तुलना कर दे, और चंद्रमा का साथ तुलना करने बैठे चंद्रमा का और देखा, अरे इतना कलंक है, काला काला दाग है, वो चंद्रमा का साथ कैसे तुलना करे, इतना सुंदर राम जी का मुख। अंतिम में क्या हुआ, अंतिम में तुलसीदास जी हार गए, तुलसीदास जी हार गए, और अंतिम में बोले रघुवर के मुख समान, रघुवर के मुख समान, रघुवर मुख बनिया, ऐसा सुंदर गाना है तुलसीदास जी, रघुवर के मुख समान रघुवर मुख बनिया। रघुवर का मुख कमल का वर्णन कैसा है, जैसा रघुवर का मुख है ऐसा ही है, अर्थात व्याकरण जिन लोगों ने पढ़ा है वो उपमान और उपमा समास, उपमान और उपमा समास दोनों एक हो गया, रघुवर का मुख कैसा है मुख कमल, और जैसा रघुवर का मुख है आप जैसा आप ही हो और कोई तुलना नहीं है, ऐसा करके बड़ा सुंदर विचार आता है। तो उपाय नहीं है, कुंती देवी हार के बोल दिया कि क्या लिखे, नमः पंकज नाभायो, नमः पंकज मालिने, नमः पंकज नेत्रायो, नमस्ते पंकजांग्रे, ऐसा करके ठाकुर जी का चरण कमल, इसलिए हम बोला था एक इन्वर्टर रखना चाहिए, कोई भी सिंसियरिटी नहीं है किसी का, मामूली सी पैसा है, इन्वर्टर रखना चाहिए, ध्यान नहीं है। तो किसी भी चीज का वर्णन करे तो वर्णन करने के लिए उपमा तुलना देना चाहिए ना, तो यहां कुंती देवी पद्मों के साथ, पद्म फूल के साथ तुलना दिया, नमः पंकज नाभायो, नमः पंकज मालिने, नमः पंकज नेत्रायो, नमस्ते पंकज आंग्रहे, पंकज आंग्रहे, तुम्हारा नाभि पंकज कम, तुमने पंकज नाभायो, तुम्हारा नाभि पद्म फूल जैसा हैं, और तुम्हारा नेत्र जो है वो भी पद्म फूल का पद्म नेत्रो, पंकज आंग्रहे अंग्री मतलब चरण, तुम्हारा चरण कमल पद्म कमापिक, ऐसा ही बोल दिया, और बहुत सारे श्लोक है इसमें हम दो चार उठा के बस अंत छोड़ देंगे क्योंकि उपाय नहीं है। भले जब इतना सारे मुसीबतें आया हमारा जिंदगी में, हर अवस्था में आपका दर्शन मिला ना, कुंती देवी का बहुत सारे स्तुति है, हम बार बार बोल रहे हैं, सारे विचार करने वाला बात बहुत सुंदर, लेकिन दो एक हम बताएंगे। इधर लिखा हुआ है विपदो संतुता सस्य तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यत
सद अपनोर्भव दर्शनम। बोलचन हमारा जिंदगी में विपद आ जाए, कभी ऐसा पागल है जो ठाकुर जी को बोले ठाकुर जी हमको बड़ा भारी मुसीबत ला दो, हमको समस्या चाहिए। वो कुंती देवी कह रहे हैं कि विपद हो संतुता शस्य तत्र तत्र जगद्गुरु भवतो दर्शनम यत् सत अपनोर भव दर्शनम। जितना सारे मुसीबत है ठाकुर जी हमारे पास भेज दो, हम इतना प्रार्थना आपके चरण में कर रहे हैं जो जितना मुसीबत है आप भेजो हमारे सामने। क्यों? बोले मुसीबत में आपका दर्शन होता है, मुसीबत में ही तो आपका दर्शन हुआ। जितना सारे हमारे जिंदगी में मुसीबत आया और सारे मुसीबत जितना सारे मुसीबतें आए आते मुसीबतें आते रहते हैं तो उसमें आपका दर्शन होते रहते हैं, इसलिए हमको मुसीबत चाहिए। आज आप सोचते हो कि हमारा समस्या समाधान हो गया, आप इसी विचार लेकर आप रथ में अस्थित रथ सवार होकर अब द्वारिका का ओर जा रहे हो, द्वारिका को जा रहे हो, लेकिन असली विपद तो आज ही है। आप सोचते हो कि जितना सारे समस्या है हंगामा सारे खत्म हो गया, क्योंकि युद्ध खत्म हो गया कुरुक्षेत्र, तो युद्ध खत्म हो गया, कौरव लोग सब मारे गए और राज्य राजधानी सब आप ही का ही तो है, और क्या मुसीबत है। जितना सारे राज्य राजधानी है अभी बैठो और मौज मारो, समस्या तो समाधान, सारे शत्रुओं का विनाश हो गया। लेकिन कुंती देवी कह रहे हैं कि असली मुसीबत तो आज ही शुरू हुआ, आप जा रहे हो द्वारका को जा रहे हो कि असली मुसीबत तो आज ही है। क्यों? बोले आज तो आप जा रहे हो, हमारा मुसीबतें नहीं है, और मुसीबत नहीं तो आप दर्शन नहीं दोगे, नहीं तो भाग के आओगे। कितना सारे मुसीबत आते रहे, द्रौपदी जी का वस्त्रहरण, द्रौपदी का वस्त्रहरण से लेकर जब दुर्योधन ने बदमाशी करके दुर्वासा मुनि को बोले, दुर्वासा मुनि को बोले एक जो एक बर आप दे बर देना चाहते हो क्या, हम करो आप पांच पांडव जहां है पांच पांडवों का उधर जाओ, 10,000 शिष्यों के साथ भोजन मनाओ, भोजन करने के लिए जाओ। वो जानते हैं वो जाएगा, ऋषि तो गुस्सेदार है बाबा, अब भोजन नहीं दे पाएगा, कहाँ देगा, जंगल में खो दिए पांच पांडव तो जंगल में है ना, तो वहाँ इतना आदमी का भोजन कैसे बनाए। तो जानते हैं इसलिए दुर्योधन ने दुष्ट है बदमाश, अब बोले काम करो ऋषि जी एक कृपा करना। बोले कौन सी कृपा? बोले आप पांच पांडवों को उधर भोजन करना है जाओ। बोले ठीक है हम जाएंगे। और 10,000 महाराज शिष्यों का साथ पूरा फुल ट्रूप्स अब पहुंचे उधर। पहुंचने के बाद युधिष्ठिर महाराज बोले पधारो महाराज, कहो कैसे। अब बोले एक काम करो भोजन बनाओ, हम आके पाएंगे। अब यमुना को चले गए, थोड़ा साधन थोड़ा नित्य नियम करके आए यमुना जी से, और नित्य नियम करने के लिए गए, और यहाँ तो द्रौपदी का रोना आ गए, हम कैसे भोजन दे। अब बोले 10,000 सब शिष्य लेके आए हैं और भोजन नहीं दे पाएगा तो अभी अभी शब्द के जला देंगे, सांप दे देंगे, अब क्या समस्या का समाधान कैसे हो पाएगा। और द्रौपदी रो रही है, अब द्वारिका ना तुम बुझ तुम समझो हम क्या करें, अब हमारा भोजन का पहले भी आ जाता तो एक थाली ऐसा मिला उस थाली से जितना हजार लोग आए लाखों लोग आए उसका भोजन हो जाए, लेकिन द्रौपदी जी खुद भोजन हो गया समाप्त तो वो थाली और काम नहीं देगा। ऐसा एक थाली है जिस थाली लाखों करोड़ों आदमी आए तो भोजन कर दे करा दे, लेकिन अब द्रौपदी का भोजन हो गया तो होगा नहीं, तो रोना शुरू कर दी। द्वारकानाथ सोजा आ गया, कहाँ द्वारिका वहां से झट से आ गया, बोले क्या हुआ हमारा भूख लगा है भोजन दो। और द्रौपदी मैया बोले एक तो हमारा खुद का दुख है और ऊपर से तुम्हें सब, और कहाँ से भोजन दे, भोजन नहीं है कुछ, जभी तो आपको बुलाए बुलाए कुछ तो होगा देखो, और क्या होगा हम जंगल में है न कुछ तो होगा देखो, कुछ नहीं है कुछ नहीं है सब। बोले देखो तो सही कुछ है, जाके देखा एक साग का टुकड़ा इतना सा, जैसे तुलसी पत्ता का टुकड़ा पड़ते लेके आओ यही तो मिल गया, दो हमारे हाथ में दिया, उसको करके एक लोटा पानी पी लिया,
बल्कि एकदम जैसे भोजन के बाद आता है ना ढेक आता है ना आ करके कर दिया। वहां 10,000 ऋषियों का साथ जमुना में कर रहा था नित्य नियम, बोले ऐसा पैसे पेट कैसे भर गया, वो लोग ये आ आ करते रहे, हमारा पेट भर गया। अब तो इतना 10,000 आदमियों का भोजन बनाया, बेचारा सारे खराब हो जाएगा, उधर से ही भागा ऋषि सारे भागा, 10,000 शिष्यों को लेकर उधर से जमुना जी से ही भागा, अब आया ही नहीं। ऐसा ठाकुर जी है। तो एक एक करके उदाहरण दे दे, सब जितना सारे समस्या आया सब समस्या में ठाकुर जी समाधान करने के लिए खोत पधारे पहुंचे। अब आप ठाकुर जी आज जा रहे हैं कहाँ, बल जो गोलोक या द्वारका, नाथ द्वारका को जा रहे हैं। तो कुंती देवी ऐसा प्रार्थना कर रहे हैं, कर रही है को एक काम करो, हमको मुसीबत भेजो, बहुत सारे समस्या, क्योंकि मुसीबत में हमारा दिमाग ठीक रहे, तुम्हारा चरण में हमारा मन रहे, और आप तो कृपा करने के लिए जरूर आओगे, क्योंकि हम देख लिया बहुत बहुत हम विचार करके देख लिया जितना सारा समस्या, आप आया भागे दौड़े आए तो हमको समस्या दे दो। आप दुनिया का कोई आदमी कोई समस्या मांगे नहीं मांगे। और एक श्लोक को व्याख्या करके फिर आगे चलेंगे। बोलचैन यहाँ व्याख्या है कि सुंदर जन्मैश्वर्य सुत श्रीभिरेधमान मदहपमान नैव अर्हति अविदातुं वै तमकिंचन गोचरम। जन्मैश्वर्य सुत श्रीभिरेधमान मदहपमान नैव अर्हति अविदातुं वै तमकिंचन गोचरम। जन्मैश्वर्य सुत श्रीभिरेधमान मदहपमान, कुंती देवी कह रही कि देखो दुनिया का आदमी सारे अहंकार में भरपूर है ना, सारे आदमी सबका अंदर में अहंकार है। किस बात के अहंकार है, भले एक तो है जन्म, चारों चीज लेकर अहंकार हो सकता। आजकल का जमाने का आदमी ऐसा हो गया बिना मतलब ही अहंकार आ जाए, चार चीज, एक तो है जन्म, ऊंचे खानदान में पैदा हुआ बड़ा भारी ऊंचा खानदान में, एक चीज का एक अभिमान है जन्म, ऐश्वर्य बड़ा भारी संपत्ति है, करोड़ों करोड़ों पति है, जन्म ऐश्वर्य श्रुतो बड़ा विद्वान है, हम बड़ा विद्वान है, ऐसा विद्वान व्यक्ति का अभिमान है ना। जन्म ऐश्वर्य श्रुतो श्री, देखने में कितना सुंदर रूम है, इसका अभिमान है ना। जितना सारे अभिमान है विचार करके देखना, घर जाके विचार करके देखना, ये जो जन्मो ऐश्वर्य श्रुतो श्री, जितना भी तमाम दुनिया में जितना अहंकार है, ये सब का जितना सारे अहंकार है किसी ना किस इसी वस्तु, चारों वस्तु किसी ना किसी का साथ ताल्लुकात रखता ही है, रखता होगा जरूर। जन्मो ऐश्वर्य श्रुतो श्री, ये चारों में एक नहीं तो दो नहीं तो तीन नहीं तो सारे के सारे, इस विषय में जरा सा भी संबंध है तो उसके अंदर में अहंकार का प्राकट्य हो गया, बिना ये सब चीज अहंकार आता ही नहीं। इसे संत महात्मा लोग निष्किंचन रहता है, किसी चीज चाहता नहीं, क्या क्या करे सब लेके, ठाकुर जी का इच्छा है तो कोई सेवा तो करा देगा, किसी को प्रेरणा देगा जा ओ बाबा ये सब कितना बड़ा बड़ा महात्मा है, कुछ नहीं मांगा सब हो गया। जैसे रंगनाथ, रंगनाथ का मंदिर देखे हो, रंगनाथ दक्षिण भारत, उसका भी कहानी हम बाद में बताएंगे, अभी तो टाइम नहीं है। वो बाबा का पास कुछ नहीं था, जंगल में सत्ययुग से पड़ा हुआ है जंगल में, कौन रंगनाथ जी, सत्ययुग से पड़ा हुआ है, सत्ययुग से रंगनाथ तो मंदिर तोड़ फोड़ कर एकदम जंगल हो गया, सांप का पास है, चारों सांप घूर रहे, जंगली जानवर। सुबह का टाइम में जो सूरज है, किसी मुश्किल से एक आदमी जाके तुलसी और गंगा, तुलसी और थोड़ा कावेरी का पानी फेंक के देखे, जल्दी आ जाता, कब जानवर आ जाए, जंगली जानवर इतना। और जो अलवार है, जो अलवार, ये अलवार दक्षिण भारत में जो आचार्य है उसको अलवार बोला जाता है, दक्षिण भारत में वो अलवार है, वो उसको देखा रंगनाथ को,
बोला हर हालत में रंगनाथ का मंदिर बना के ही हम रहेंगे। लेकिन नंगा बाबा कुछ नहीं है, अपना भोजन पानी भी मुश्किल से मिलता है, वो कैसे बनाए, इसका क्या इतिहास है सुनेंगे तो पागल हो जाओगे, इसका इतिहास सुनेंगे तो पागल हो। सारा दुनिया रंगनाथ मंदिर, तिरुपति मंदिर, जितना सारे मंदिर है, वेंकटेश्वर, भले सारा पृथ्वी का आदमी ये सब मंदिर और मंदिरों को ऊपर नजर डाल के रखा, क्यों? और मंदिरों में जितना वैभव है पूरा तमाम दुनिया में किसी जगह नहीं। आज से 2 साल पहले निकला था अखबार में, जो कितना करोड़ों करोड़ों रुपया का सोने चांदी जेवरत है अंदर में भूगर्भ में, पुरी में मिला था, पुरी में जगन्नाथ मंदिर जो है मेन जो दरवाजा है, मेन जो दरवाजा जहां पतित पावन का दर्शन होते रहते हैं, वो जगह मुख करके खड़ा हो तो बायां तरफ एक छोटा एक मंदिर था, किसी को पता नहीं, उस मंदिर के ऊपर करोड़ों करोड़ों रुपया का सोने का बाढ़ ठाकुर जी का सेवा के लिए रख दिया था। वो संत महात्मा खाया नहीं, ठाकुर जी का सेवा के लिए सोने का करोड़ों करोड़ों रुपया का सारे सरकार ले लिए। ऐसा ही है तो जन्म ऐश्वर्य सुतो सी, ये समझ लो कि खंबा। आजकल के जमाने में तो कलम का बिल्डिंग हो रहा है, कलम है ना, कलम उठाकर बिल्डिंग, पहले जमाने में ऐसा नहीं था, पहले जमाने में खंबा, अभी तो नियम अलग हो गया ना, पहले खंबा था, एक राजवाड़ी मंदिर सारे बड़ा बड़ा खंबा नजर आएगा, वो खंबा का ऊपर पूरा मंदिर टिका हुआ है। और जगन्नाथ मंदिर कैसे टिका हुआ किसी को पता नहीं, कोई सीमेंट नहीं, कोई बाइंड कुछ नहीं है, सब ऐसे खिलान जानते हो, ऐसा सब जैसे गांठ है, एक गांठ का ऊपर दूसरा गांठ, खिलान ऐसा लॉकिंग है। क्या दिमाग है आजकल का, कोई साइंटिस्ट है वो तो पागल हो जाएगा, कैसे बनाया वो लोगों का बुद्धि क्या था, पूरा तमाम जगन्नाथ मंदिर इतना बड़ा, सब लॉकिंग के ऊपर एक दूसरे का साथ बाइंडिंग है, कोई सीमेंट नहीं है कुछ नहीं, कैसे टिका हुआ है सोचो। वो लोग कम बुद्धि वाले हैं, आप बुद्धिमान हो हैं, तो देखो कुंती देवी के यह बात को थोड़ी सी शब्द में बताएंगे, बहुत सारे हरिकथा पहले हुआ था उसमें हम ये सब व्याख्या किया पूरा। जन्म ऐश्वर्य सुतो सी, इसको खंबा मन के चलो, खंबा इसको खंबा मन के चलो, खंबा इस खंबे के ऊपर एक बिल्डिंग है, खंबे के ऊपर है बिल्डिंग है, ये अहंकार का घर है, समझा मेरा बात विचार, अहंकार का घर है, अहंकार का कमरा, वो कमरा जो अहंकार का है चारों खंबा के ऊपर खड़ा है। चारों खंबा क्या है, बोले जन्मो ऐश्वर्य श्रुतो श्री, चारों। अब ये चारों खंबा को आप फेंक दो, अगर खराब कर दो, तोड़ दो, तो बिल्डिंग क्या करे, गिर जाए, कोलैप्स हो जाएगा ना। चारों खंबा के ऊपर बिल्डिंग खड़ा है, चारों खंबा को एकदम तोड़ फोड़ दो तो क्या होगा, उसमें टूट जाएगा पूरा, कलप्स हो जाएगा। ऐसा ही गुरु वैष्णव ने, पहले जब आप आओगे कोई साधु महात्मा का पास कीपा करने, कीपा लेने के लिए, संत महात्मा का पहला काम है आपका अंदर में जो अभिमान अहंकार का घर है, पहले उसको एक लात लगाकर मिटा दे, नहीं तो ठाकुर जी का पास कभी भी नहीं जा सकता। संत महात्मा का काम ही है, पहले कोई वास्तव कृपा लेने के लिए आए तो उसका जो अहंकार का घर है उसको मिटा दे पहले, फिर वो विनम्र हो जाए और शरण में आएगा, तब उसका ऊपर कृपा टिक पाएगा, नहीं तो कृपा करे भी वो निकल जाए, क्योंकि पर्वत जो है, पहाड़ जो है, पहाड़ी चट्टी, पहाड़ी इलाका जो है, पहाड़ी इलाका में देखना जब बारिश होते रहते हैं, को बारिश क्या हो, ऊपर से गिरकर नीचे आ जाता है, ऊपर नहीं टिकता, बहुत बारिश हुआ ऊपर में पहाड़ी चट्टी में, पहाड़ी इलाके में, लेकिन सारे ऊपर बारिश हुआ लेकिन तब बारिश जाके नीचे चला गया,
ऐसे आपका ऊपर कृपा आते रहते हैं, गुरु वैष्णव कृपा करते हैं, लेकिन कृपा कैसे टिके, अहंकार है और पर्वतों का ऊपर गिरा और सारी कृपा नीचे चला गया, खत्म हो गया। इससे तिनादु विभाव जब तक ना हो तब तक वास्तव कृपा प्राप्ति करना संभव नहीं है। जब तक तिनादु विभाव सिद्ध हो जाए तब वास्तव कृपा को आप प्राप्त कर सकोगे, नॉट बिफोर दैट, उसका पहले नहीं। अब एक श्लोक को बता के हम आगे चलेंगे, जे इसका जो विचार है ये कुंती देवी, कुंती देवी कृष्ण भगवान का जो बचपन का जो लीलाएं हैं ये स्मृति में आया। बोले कैसे, कुंती देवी का ब्रजधाम में थी? नहीं, कुंती देवी ब्रजधाम में नहीं, सुने होंगे। जैसे आपका रोहिणी माँ, रोहिणी माँ जो है, रोहिणी माँ का ऊपर एक छोटा सा सांप था, इसलिए रोहिणी माँ डायरेक्ट जाके कहा वृंदावन में कृष्ण भगवान के साथ वहां नंद महाराज का भवन में रहती थी। पत्नी है किसकी, किसका पत्नी है? रोहिणी माँ तो देव ये जो वसुदेव जी का पत्नी है, लेकिन फिर भी एक सांप है छोटा सा, अभिशाप सांप लगा था, इसलिए संतान नहीं हुई। बाद में ठाकुर जी ऐसे चालाकी करके शैतान संतान पैदा कर दिया स्वामी के द्वारा, नहीं जो भी है, बड़ा आश्चर्य की बात है। और वहां जाके क्या हुआ, वहां ब्रजधाम में रही थी, इसलिए रोहिणी माँ जितना सारे मथुरावासी हैं उनमें रोहिणी माँ सबसे ऊंचा स्थान, क्योंकि रोहिणी माँ छोड़कर किसी को ऐसा सुजग नहीं हुआ, ऐसा सुजग नहीं हुई जैसे कृष्ण भगवान का बचपन का लीला आदि दर्शन, गोदी में चराया माँ, बहुत कुछ किया। तो यहां जो है कुंती देवी कह रही कि गोप्यादे तयी कृता सिद्धामोताव जाते दशाश्वकलीलांजन संभमाक्षम भक्तम नडीयो भव भाव नया स्थित सामे विमोहयति भीरोपी जद विभेद भीरोपी जद विभेति। भय जिसको डरता है, भय मतलब जम तो है, मौत तो भय है, जो जम जिसको डरते हैं ये ठाकुर जी आप हो, और आप मैया का डर से कितना सारे रोदन किए हैं, रोदन किए ना, जो दामोदर स्टोकम आप पाठ करते हो ना, दामोदर स्टोकम में है, दामोदर स्टोकम में आएगा ये बात को पूरा पिक्चर, इसका बारे में व्याख्या हुआ था बांग्ला में, दूसरा जगह दामोदर स्टोकम का ऊपर शिक्षा स्टोक का ऊपर बांग्ला में हुआ था मार्क वहां। जो भी है इधर देखो जे ये जो गोप आददे तोई कृतागसी दामोतावत, जब गोपी अर्थात जसोदा मैया ने जब लाठी, लाठी है ना मारने के लिए लाठी और हाथ में रस्सी तुमको बांधने के लिए जब लाई थी, तब तो रोना शुरू कर दिया। अब इस अवस्था को देखकर बलचैन गोपादे तयी कृताग सिद्धाम तावत जाते दशस्व कलिलांजन संभम आक्षम, संभम डर के मारे जो आपका ऐसा ऐसा करके रुदन शुरू कर दिए। इस अवस्था इस पिक्चर को, ये छवि को हम चिंता करके, जा छवि बलिहारी कितना सुंदर, आंखों में तो काजले का धारा लगा दिया, और रोए तो रोए बच्चा, ऐसा करे तो क्या हो, पूरा काखे काला काला हो जाए, होगा ना, कैसा सुंदर पिक्चर हो गया है। अब इसी अवस्था को देखकर हमारा जो मन है मोहित हो रहा है, कहां आप हो साक्षात परात्पर अखिलेश्वर, कहां आपका ये लीला है, या जसोदा मैया के डर से आपका पूरा रोना आ गया, डर के मारे आप रोते रहे, ये सब करके कुंती देवी सुंदर स्तप किया। जो भय है काल महाकाल भी जिसको डरते हैं, ये ठाकुर जी आप हो, ऐसा करके भगवान का स्वरूप का
सुंदर वर्णन किए, वर्णन करते करते एकदम रोना शुरू कर दिए। आप हमको, हम लोगों को छोड़ के चले जाओगे। ऐसा करके जब रोदन किए तो अंतिम में ठाकुर जी को क्या करना पड़ा, बड़े द्वारका को जाने के लिए जो प्रस्तुत रेडी है सब कुछ। अब बाद में युधिष्ठिर महाराज प्रार्थना किए, थोड़ा तो दिन रुक जाओ और थोड़ा कुछ दिन रुक जाओ तो सही। तो ठाकुर जी क्या किए, कुंती देवी रोदन कर रही है बुआ जी, और रोदन में यात्रा भी ठीक नहीं है, और ठाकुर जी का क्या ठीक नहीं बोलो, सब ठीक है, फिर भी ये लीला है। और वहां से रथ से कूद कर पड़े और बुआ जी के फिर दंडवत करे और अंदर महल में चले गए। बल ठीक है, जाना स्थगित कर दिया, पोस्टपोन, अंग्रेजी में बोलता है पोस्टपोन जाना बंद कर दिया, ठाकुर जी को जाना बंद हो गया। अब ठाकुर जी बोला रोना धोना में कैसे जाए, ठीक है और दो चार दिन दस दिन रह ले, कोई बात नहीं, इतना दिन जब रहा और कोई थोड़ी दिन रह ले, ऐसा करके रह गया। रहने का बाद वहां रहने का भी कोई कारण है, उसका पीछे वो सब कारण क्या है, ये जो वो जो भगत, ये जो रहने का भी कारण है, ठाकुर जी बिना कारण कुछ करते नहीं, ये रहने का मतलब है भीष्म जी को कृपा करने के लिए जाएंगे। और रोक गया, अंदर में चला गया। उसका बाद ठाकुर जी जब देखे, जब देखे युधिष्ठिर, युधिष्ठिर बड़े भाई, युधिष्ठिर बड़े भाई है ना, बड़े भाई जी का, बड़े भाई का सामने भगवान श्री कृष्ण बहुत तर्क, बहुत युक्ति दिए, भाई आपका कोई दोष नहीं है तो धर्म युद्ध है, तो धर्म युद्ध है, आप तो कोई अन्याय नहीं किए। फिर भी युधिष्ठिर महाराज इतना बड़ा वैष्णव है, बड़ा रोदन करते रहते हैं, तो हमारा कोई निस्तार नहीं हुआ होगा, इतना बड़ा कुरुक्षेत्र युद्ध में कितना आदमी मारे गए, कितना पत्नी विधवा हो गए, कितना बच्चा, मासूम बच्चा अनाथ हो गया, सबके लिए जिम्मेदारी मैं हूँ। कृष्ण बोलते आप कैसे जिम्मेदारी है, ये तो कुरुक्षेत्र धर्म युद्ध है, आपका कोई जुमा नहीं है, आप तो ठीक किए, नहीं नहीं आप बोल रहे हैं शास्त्रों का विचार तो हमारा लिए नहीं है, हम तो अपराध किए बहुत, हमारा क्या गोती हो। तो भैया कृष्ण ने देखे कि हम बड़े भाई है ना, बड़े भाई को छोटे भाई समझाए तो बोले ये तो छोटा है, इसका इसको समझने में क्या है। तो कृष्ण बोले एक काम करो, चलो सब हम लोग मिलकर पितामह भीष्म के पास जाए। तो क्यों पितामह भीष्म के पास जब जाए, इसका कारण क्या है, एक तो है पितामह भीष्म को कृपा करना, दर्शन देना, दूसरा है पितामह भीष्म जो है पूरा खानदान का सबसे पुराना है, पितामह भीष्म है ना खानदान में सबसे पुराना है, और उससे अगर कोई उपदेश मिले तो उसका ऊपर विश्वास हो जाएगा, किसका, युधिष्ठिर महाराज का। और पितामह भीष्म महाभागवत है, इनके सामने अगर जाए तो बड़ा भारी प्रवचन भी हो जाएगा, प्रवचन होगा ना, संत महात्मा काम क्या है, घंटों घंटों भर बैठ के प्रवचन कर दे, यही तो है काम। तो ठीक है, एक साथ कृष्ण बोले चलो अब पितामह भीष्म के पास जाए। जब पितामह भीष्म के पास जाने के लिए तैयार हुआ, सारे संतों का झुंडू पूरा जितना सारे है सारे जाना, से बोला हम भी जाएंगे, चलो वशिष्ठ भरद्वाज धूम पराशर सारे गए, और चलो पितामह भीष्म के पास जाए। पितामह भीष्म के पास किस गए, क्यों नहीं, किस लिए, पितामह भीष्म के पास जाए तो जरूर कुछ इसमें ऐसा कुछ बातें हरिकथा हो जिसमें हमारा फायदा होगा। इसलिए सारे के सारे पूरा परिवार चले और पितामह भीष्म के पास जाके सारे दंडवत किया, और दंडवत करने के बाद पितामह भीष्म को पड़ा हुआ है सरसज्जा में। कृष्ण भगवान पहले पूछा जो पितामह आप कैसे हो, ठीक हो, बोला हाँ ठीक हो, ठीक हो, कोई कष्ट, कोई कष्ट तो नहीं है, नहीं कोई कष्ट नहीं, बिल्कुल ठीक, क्यों, भगवान श्री कृष्ण अपना अमृतमय दृष्टि के द्वारा, अमृतमय दृष्टि के द्वारा पितामह भीष्म का जो शरीर है उसमें कोई जख्म नहीं है, देखने में लगता है जख्म है, सौ तीर जो है वो बिंधा हुआ है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण अमृतमय दृष्टि के द्वारा समाधान कर दिए कि कोई कष्ट नहीं है, एक दफे देखा तो बस उसे सारे समस्या का समाधान, कोई कष्ट नहीं है। अब जब भगवान श्री कृष्ण
पहुंचे तो ऐसा हुआ जो पितामह भीष्म भगवान श्री कृष्ण को दंडवत किए, लेकिन मन ही मन दंडवत किए मन के द्वारा, क्योंकि उठने का कोई हिम्मत नहीं, कैसे उठे, मन के द्वारा दंडवत किए और इसके बाद बोलना शुरू कर दिए, अहो कष्टम अहो अनार्यम अनाज्यम यदूयम धर्म नंदन जीवितुम नारहत क्लिष्टम विप्रो धर्माच्युताश्रया। आप लोग धर्म का आश्रय किए, आप लोग संत महात्मा आपका आश्रय है, ठाकुर जी स्वयं आश्रय है, अधर्म आप कभी नहीं किए हो, फिर भी आपका जिंदगी में इतना कष्ट है, फिर भी आपका जिंदगी में इतना कष्ट है, हाय हाय राम राम, ऐसे कैसे संभव है, ऐसा बोला। अहो कष्टम अहो अनाज्यम अन्याय, अहो कष्टम अहो अनाज्यम यद जूयम धर्म नंदना जीवितुम नारहतो कृष्टम विप्रो धर्माच्युताश्रय। धर्मो को आश्रय करके रखे हो, फिर वो जो जितना सारे संत महात्मा आपको प्यार करते हैं आशीर्वाद, फिर देखो ठाकुर जी स्वयं है, इस अवस्था में आपका कष्ट कैसे हुआ। और पितामह विषय बोलते चले कि सर्वम काल कृतम मन्ने भवतांच जद अप्रियम, जितना सा अप्रियो जितना सारे कष्ट आपका जिंदगी में आया है, सर्वम काल कृतम मन्ने, हमको लगता है काल महाकाली ऐसा कराया, काल के द्वारा प्रेरित होकर कोई आदमी मौत का गोदी में ढल जाए, किसी बच्चा का भी जन्म हो जाए, कैसा क्या होए कोई ठिकाना है नहीं। बोले सर्वम काल कृतम मन्ने भवतांच जद प्रियम सपालो यद वसे लोको बायो रीव घनावली। जैसे मेघ है आसमान में, जो बादल है हवा का झोंका आया तो बादल यहां से उधर चला गया, ऐसे संसार का नियम ऐसा है। अभी हम संसार किया, पति पत्नी पोता पोती सब लेके, हवा का एक झोंका आया, कहाँ गया लड़का कहाँ गया पत्नी सब बहुत सारे, ऐसा ही उदाहरण है। ग्यारह स्कंद में आएगा, ग्यारह स्कंद में भी ऐसा उदाहरण आएगा। यहां उदाहरण दिए, देखो समुन्द्र का किनारे घूमने गए हो, समुन्द्र में देखो सी बीच, समुन्द्र का किनारे कितना बालू है, बालू है ना, एक बालू दूसरे के साथ मिले हुए रहते हैं एक साथ, एक हवा का झोंका आया, एक बालू जो दूसरे के साथ एकदम लटपट अवस्था में, अभी हवा का झोंका है, ए बालू का कण यहाँ गया, बालू का कण उधर कहाँ चला गया। संसार का यही नियम है, कभी आप इधर हो कब कहाँ हो कोई ठिकाना है नहीं। ऐसे ही पितामह विश्व बहुत सुंदर युक्ति दिए, और सारे महाभारत में भी है, जो ये जो है आपका पितामह विश्व, पितामह विश्व बहुत सारे लंबा चौड़ा प्रवचन की, भागवत में उतना नहीं है, कम है, कम दिया गया कि मतलब की बात, वहाँ राजधर्मो समाज धर्मो लोक धर्मो स्त्री धर्मो ब्रह्मचर्य धर्मो सारे तमाम, क्या बोला हम पितामह विश्व सारे बता दिया। युधिष्ठिर महाराज को सामने रख के राज्य राजधानी को कैसे संभालना है सब बताए सारे, ऐसे राजधानी को चलाओ तो ठीक चलेगा, ऐसा समाज को चलाओ तो ठीक चलेगा, स्त्री जाति का धर्म क्या है, ब्रह्मचर्य क्या है, सारे बताया, तमाम गंभीर विषय पितामह विश्व सारे उपदेश किया, बहुत तत्व पितामह विश्व इतना उपदेश दिया कि एक एक उपदेश का बारे में चर्चा करते रहे तो मूल चर्चा बंद हो जाएगी। पितामह विश्व ने बताया कि देखो ये समाज जो है इसमें एक उदाहरण हम देंगे, इतना सारे उपदेश दिए हम तो एक तो कह चुके हैं ऑलरेडी, उसमें एक और बता दें जो इधर प्रसंग नहीं है महाभारत में। पितामह विश्व विचार करके बताए, नश्यन्ति अनायका नश्यन्ति बहुनायका
नश्यन्ति कुनायका तरन्ति सुनायका। इसका मतलब क्या हुआ महाराज, इसका माने क्या है? बोले देखोगे जिस समाज में बहुत आदमी एक साथ नायक बन गया समाज को चालना करने के लिए, सब एक साथ, कोई किसी को मानता नहीं, नश्यन्ति अनायका, ये देश में कोई कोई राजा नहीं है, वास्तव राजा नहीं है, नश्यन्ति अनायका, कोई राजा नहीं, लीडर नहीं, लीडर जो समाज को परिचालना करे ऐसा कोई वास्तव सत आदमी है नहीं, तो क्या होगा? जैसे बेन राजा का खत्म होने का बात क्या हुआ, कोई अराजक, अराजक मतलब राजा नहीं है, राजा तो नहीं, रूलर जो शासन करने वाला कोई नहीं है, तो क्या हुआ? नश्यन्ति अनायका, जब राजा नहीं हो शासन करने वाला नहीं तो समस्या बेकार। मठ मंदिर का भी कोई ऐसा आचार्य नहीं है कि आचरण के द्वारा दूसरे का हृदय का परिवर्तन कर दे, वो तो करते रहेगा, वो तो जानकारी नहीं है, नरक का ओर जा रहा है, तो कोई काम नहीं होगा, कोई काम ना, अव्यवस्था फैलेगा चारों ओर अव्यवस्था। तो नश्यन्ति अनायका देश का परिस्थिति, नश्यन्ति कुनायका, राजा तो नहीं था फिर भी अच्छा था, अब राजा आया तो भी कु राजा है, लीडर जो है, नेता जो है वो कुनायका, कुनायक बदमाश, अपना मतलब की बात करता है, अपना मतलब की काम करता है, सारे समाज चाहे चूल्हे में जाए समाज, हमारा क्या आता जाता, अपना समझेगा, करता है ना, गौ माता को मारो क्या होगा हमारा, हमारा तो कुछ गद्दी तो ठीक रहेगा, हमारा गद्दी तो ठीक रहेगा, गौ माता को मारो क्या होगा, ये लोगों का हालत, कोई शास्त्रों का विचार नहीं है, कोई कोई कुछ नहीं है, सद्भावना नहीं है, कुछ नहीं है, एक पशु का अंदर में भी ऐसा बुद्धि नहीं आ सकता, एक पशु अगर अनिष्ट करे कितना तक अनिष्ट कर सकेगा, एक कुत्ता चिल्लाते रहेगा कहां तक नुकसान करेगा बोलो, एक आदमी अगर नुकसान करना शुरू कर दे तो क्या कर सकता एक नेता, सोच भी नहीं सके, पशु से भी नीचे चला जाए। तो नश्यन्ति अनायका, हमारा बात नहीं पितामह विश्व का, नश्यन्ति अनायका, नश्यन्ति कुनायका और नश्यन्ति बहुनायका, नायक नहीं था ठीक है, नायक बन गया कुनायक है और मुसीबत, जैसे जैसे हम अभी उदाहरण दिया, किसका उदाहरण दिया, बेनराज, बेनराज नायक नहीं था ठीक है, सब ऋषि मुनि बोलकर बेन को नायक बना दिए, अब बेन तो और मुसीबतें खड़ा कर दिया, तो नायक नहीं था फिर भी अच्छा, तो अब बेन को बना दिया कुनायक, सारे पूजा पाठ बंद कर दिया, ब्राह्मण वैष्णव के किसका पूजा कर रहे हो, बोका कहीं का मूर्ख, चलो हमारा पूजा करो, शास्त्र में विचार है राजा जो है वही ठाकुर जी है, ठाकुर है राजा जो है वही, उसका ही पूजा करने सारे जाग जोग को बंद कर दिया, बदमाश है बेन। और फिर नश्यन्ति अनायका, नश्यन्ति कुनायका, नश्यन्ति बहुनायका, एक समाज में अगर बहुत नायक बन जाए, बहुत नायक, ए नायक, ओ नायक, ओ नायक, किसका बात सुने समाज, आपस में लड़ाई, बहुनायक हो जाए तो बस फाइटिंग और जमेगा, समाज और भी जाए, और बार बार इलेक्शन होते रहेगा, और तुम्हारा पैसा खत्म, तुम्हारा देश का जितना पैसा है सारे इलेक्शन में खत्म, पूरे इलेक्शन में, क्योंकि बेकार है, बेकार है ना, मूर्ख है सब, ये जो है ना गणतंत्र जो है, ये गणतंत्र बोल के कोई वास्तव चीज है ही नहीं, ये हम बोलने जाए तो लड़ाई करने आएगा सब, तुम प्रमाण करो तुम्हारा बुद्धि है तो, ये गणतंत्र कोई बात है, गणतंत्र में क्या होता है, एक 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 रास्ता का जो भिखारी है वो भी इलेक्शन में क्या वोट देने के लिए जाएगा, एक बड़ा पंडित महात्मा वो भी वोट देने के लिए जाएगा, क्या हम तुम्हारा सामने क्वेश्चन करें वो जो भिखारी है उसका जो वोट वोट राइट है, उसका जो वोट का कीमत है, क्या इतना बड़ा महात्मा है इसका वोट का कीमत के साथ बराबर है, हाउ फूल यू आर, कितना बोका हो आप, ये भिखारी है रास्ता का, अनपढ़ है, इसका वोट का जो कीमत है, और एक
बड़ा आदमी विचार वाले इतना बड़ा विद्वान है महात्मा है, इसका वोट का कीमत बराबर, ये कभी हो सकता? और एक वोट का कमी हो जाए तो एक अच्छा जो नेता आने वाला हुआ नहीं आएगा। और तुम्हारा समाज को लेके बैठो, हम तो राजनीति करने वाला आदमी नहीं है, हम तो नहीं है, अब जो जो होए वही होए। ऐसा ही है तो न संति बहुनायका, बहुनायक हो जाए तो सर्वनाश हो जाए। और तरंती सुनायका, सुनायक मतलब वास्तव एक सत नायक आ जाए, धार्मिक नायक आ जाए, धार्मिक जो शास्त्रों का विचार पर देश को चलाना चाहे उसको ही मार के फेंक दे, ए बेटा मार उसको, क्यों? वो शास्त्रों का विचार पर चलना चाहता है उसको मारो सब मिलकर, कैसा पशु है वो शास्त्रों का विचार पर चलना चाहता है और उसको मारो, बोलो क्या समाज है? तुम्हारा समाज को क्या मंगल होगा बोलो? हम चित्कार करते रहे कुत्ता का मां भी कहां तक चित्कार करे, चाहे इंटरनेट में जाएगा या फेसबुक में कितना तक जाए, कितना आदमी का कानों में जाएगा, डीवीडी जाएगा, तो समाज का ऐसा ही हालत है। तो पितामह विश्व राजधर्मो समाज धर्मो लोक धर्मो सारे का बारे में सुंदर बताया, और स्त्री धर्मो ब्रह्मचर्य धर्मो संन्यास सारे बताया पितामह विश्व, इसका बारे में बड़ा भारी चर्चा है सुंदर। और भगवान श्री कृष्ण अभी द्वारका को चले गए कृपा करने का बाद, क्योंकि पितामह विश्व को कृपा करना था, पितामह विश्व को कृपा करना था और पितामह विश्व को कृपा कर दिया। और पितामह विश्व रो रो कर कह रहे हैं कि देखो ये जो सामने खड़ा हुआ है साक्षात परात्पर अखिलेश्वर भगवान, ये ठाकुर जी स्वयं, और देखो हमको कृपा करने के लिए हमारा अंतिम समय पे हमारा सामने पधारे हैं। त्रिभुवन कमलम तमाल वर्णम रवि कर गौर बराम परम दधाने बपूर लक कुलावृता ननाबजम विजय सखेर तिरस्तु मे अनवद्या। त्रिभुवन कमलम तमाल वर्णम त्रिभुवन कमलम, त्रिभुवन कमलम तमाल वर्णम रवि करो गौरवराम्बरम दधाने। आहा, त्रिभुवन में ऐसा शोभा कहीं होता है? ठाकुर जी का शोभा का बराबर कुछ है? देखो कितना पीताम्बर पहन के हमारा सामने आए हुए है, सामरासा रूप है इतना तमाल वर्णम। और बपू जो है शरीर अपरागित शरीर, वो अलका तिलका देखे बपूर अलोक कुलावृतनाना, और बोलचे इधर लिखा हुआ है बपूर अलोक कुलावृतानाबजम है, भले नयन फार फार कर ठाकुर जी देख रहे हमारा ओर। विजय सखे रतिरस्तु में अनवद्या, ये अर्जुन का सारथी बन के रहा है कृष्ण, कृष्ण अर्जुन का सखा बन के रहा, कृष्ण अर्जुन का सखा और अर्जुन का सखा है कृष्ण, हैं? बड़ा भारी विचार है इस विषय का ऊपर, तो हम तो छोड़े में व्याख्या करें। त्रिभुवन कमलम तमाल वर्णम रवि कर गौर वरम्बरम दधाने बपूर लोक कुलावृतान नवजम विजय सखे रतिरस्तु मे अनवद्या। जूधी तुराग रजो विद्रुम्न विश्व कचो लुलित समो भरजालंकृतास्ते ममो निशीत शरीर विभिद्यमान तचित बिलसत कवचो अस्तु कृष्णो आत्मा। क्या है युद्ध बोलचन जूधी जुधि तुरगो रजो विध्रुम, जुधि माने युद्ध में जब घोड़े सब दौड़ा है ना, युद्ध में क्या उथल पथल हो रहा है ना, ये उधर दौड़ रहा है उधर घोड़े दौड़ रहा है हाथी दौड़ रहा है, इस समय में कृष्ण का शोभा जब पितामह भीष्म ने दर्शन कर चुके युद्ध का टाइम में वो शोभा का वर्णन करा, भले जुधि तुरग रजो विध्रुम विध्रुम्र विश्वक
कचो ललित सम बर्यालंकृतास्ते मम निशीत शरीर विभिद्यमान तचि विलसत कवच अस्तु कृष्ण आत्मा। बोले जब युद्ध चल रहा है चारो हल्ला गुल्ला, उस समय में युद्ध क्षेत्र का कुरुक्षेत्र का झूली धूली जो है धूली एकदम अंधेरा हो गया, उस धूली के द्वारा भगवान श्री कृष्ण भूषित हो गए। ऐसे तो देखने में सुंदर है ही है, चारों ओर धूला एकदम, धूला से कृष्ण भगवान का एक सुंदर रूप धारण की, और पसीना पसीना आ गया। और हमारा पितामह भीष्म बोले हम जो तीर चलाया एकाद जो तीर है उसको भेद किया, कृष्ण को भी भेद कर दिया। बोले कैसा भक्त है कृष्ण को मार दिया, ले ये वीर रस का आस्वादन चल रहा है। ये तीसरा स्कंद में आएगा, भगवान बोले हमारा वीर रस आस्वादन करने का इच्छा हो रहा है, अब कौन लड़ेगा ठाकुर जी के साथ। बोले हमारा बराबर तो कोई हो, कोई तो है नहीं, तो इसलिए जय विजय को भेज दिया। और उस समय लड़ाई हुआ हिरण्यकश्यप में, बस लड़ाई कर हमारा साथ, लड़ाई का भी मजा हो रहा है। धनी व्यक्ति कभी कभी कुश्ती भी करता है ना, कुश्ती होता है ना ऐसा। तो ये जो है पितामह भीष्म क्यों तीर चलाया, बोले ठाकुर जी का संतुष्टि के लिए ही चलाया। आप अगर बोलोगे पितामह भीष्म द्वादश महाजन में एक है, वो कैसे तीर चलाया कृष्ण के शरीर में, बोले क्या करते कृष्ण तो खुद इच्छा करके तीर लिया अपना दोस्त को बचाने के लिए, यहां तीर चलाया अर्जुन को लगना है ऐसा कर दिया, अपना शरीर में ले लिया और तीर भी लिया, लड़ाई भी किया। किस लिए, बोले आपस में संतुष्टि का बात है, क्योंकि युद्ध क्षेत्र में है, युद्ध क्षेत्र में पितामह भीष्म वीर रस आस्वादन कर रहे हैं, तो वीर रस में तीर चलाए को दोष नहीं होता। वीर रस रसों में सात गौण रस है और पांच मुख्य रस है, और गौण रस वीर रस को आस्वादन करने के लिए तीर चलाए, युद्ध चल रहा है, इसमें कोई दोष नहीं है। तो यहां जो है युद्ध का जो धूला है युद्ध क्षेत्र का, इसके द्वारा इतना सुंदर घोड़े का खूर से एकदम इधर उधर हो गया धूली, और उड़ के भगवान श्री कृष्ण का एकदम शरीर में आए, और जैसे कितना सुंदर हम तीर चलाया ठाकुर जी के जो कवच है वो भेद करके छिन्न विच्छिन्न कर दिया। उसी समय में क्या हुआ, बोले एक सुंदर चीज, बोले ठाकुर जी मेरा प्रतिज्ञा को रक्षा करने के लिए अपना प्रतिज्ञा को तोड़ दिया, ठाकुर जी अपना प्रतिज्ञा को छोड़ दिया। बोले चलो इसका ही प्रतिज्ञा का रक्षा किया, कैसे, बचन स्वनिगमम अपहाय मत प्रतिज्ञा रीतम अधिकर्तुम अवप्पित रथस्त स्वनिगमम निजे जो निजे जो अपना जो निगम है, अपना जो वेद आदि, अपना वेद आदि में जो विचार है वो विचार को छोड़ दिया ठाकुर जी। भले वेदों में जो कुछ भी लिखा है ठाकुर जी कर सकता है प्रेम के मारे, जैसे पुरुषोत्तम धाम में इतना गौड़ीय भक्त पहुंचे, ठाकुर जी बोले जगन्नाथ दर्शन के लिए जा रहे हो बंद करो, जाओ चूड़ा को दर्शन करो, नाव के पहले भजन कर लो। अरे वेदों में लिखा है तीर्थ के तीर्थ में आए तो उसमें पहले नहाएगा, बाल कमाए, दर्शन करे ठाकुर जी, फिर भोजन करना, ये तो लिखा है वेदों में विचार है। और साक्षात परात पर अखिलेश चैतन्य महापो कह रहे कहाँ जा रहे हो, जगन्नाथ तो रुको जाओ नहा के आओ, आके भोजन कर लो, ये चूड़ा को टन पकड़ो, कैसा विचार है, खुद का ही लिखा हुआ वेद तो ठाकुर जी का ही है। ठाकुर जी और प्रताप रुद्र राजा जो है उसका बड़ा गौड़ीय दर्शन का आलोक में विचार करना है, इसलिए उठा रहा हूं गौड़ीय विचार। राजा प्रताप रुद्र का बड़ा भारी शक आ गया, बोले महाराज ऐसे कैसे है, इतना सारे भक्त आया पहले नहा धो ले, बाल को सेव करे, तुम्हें मस्तक मुंडन करना है, भोजन उसका बाद भोजन है, दर्शन करे उपवास करे, और ठाकुर जी स्वयं बोल रहे भोजन कर लो। सर्वम बोला बोला तुम्हारा शास्त्र का विचार छोड़ दो, यहाँ साक्षात ठाकुर जी है, वो तो शास्त्रों का विचार लिखा हुआ है, यह स्वयं ठाकुर जी खड़ा हुए के बोल रहे खा ले, तो खाना ही वो रूल बन गया, नियम बन गया। ठाकुर जी हो सके तो नियम को तोड़ सकता है, जोड़ भी सकता है, ठाकुर जी का विचार है।
तो इसलिए ये स्वनिगमम अपहायो, अपना निगम मतलब वेदों का विचार, शास्त्रों का विचार को छोड़कर मत प्रतिज्ञाम रीतम अधिकर तुम, हमारा जो प्रतिज्ञा था वो प्रतिज्ञा को सच्चा बनाने के लिए मत प्रतिज्ञाम रीतम अधिकर तुम अवप्लुत रथस्थ, रथ से कूद के परे पड़ के एक टूटा हुआ रथ का जो चाका है चक्का इसको उठाए। सुदर्शन चक्र तो नहीं बुलाया क्योंकि सुदर्शन है, ये रथ का चक्का को उठाए, उठा के भीष्म का ऊपर मारने गए, हम तुमको मार डालेंगे बेटा है, जैसे बच्चा को पिता मत मारने जाता है, मारे एक थप्पड़ ऐसा मारने जा रहा है। इसका जो शोभा है, ये शोभा को वर्णन करते हुए पितामह विश्व रो रहा है, बोल ओ छवि जा छवि बलिहारी, रथ से कूद के परे, और ठाकुर जी जैसे लगता हवा पे चल रहा है और अपना जो उत्तरीय है पितावास है उड़ के जा रहा है हवा पे, और ठाकुर जी का चूल बिखरे हुए हैं और रात का चाका उठाकर मारे तो रखो तेरी तो बोल के मार रहा है। ये जो शोभा है ये बड़ा अच्छा शोभा है, आहा ऐसा जो शोभा है मेरा दिल में हर वक्त बने रहे, हम तो यही चाहता है। ऐसा बोले स निगमम अपहाय मत प्रतिज्ञा ऋतम अधिकर तुम अवप्लुत रथस्थ धितो रथो चरण भगया चलत गुर हरिरी वहन तुमीभम गतोत्तरीय। बोले धितो रथो चरण भगया चलत गुर हरिरी वहन तुमीभम गतोत्तरीय। सिंह जैसे शेर ऐसा है ना छलांग लगाता है, ऐसा ठाकुर जी छलांग लगाया हमारा और हमको मारने के लिए कृपा करने के लिए, बड़ा अच्छा लगा। आहा ऐसा जो छवि है मेरा अंतिम समय पे ठाकुर जी आ गया है, और ये ठाकुर जी हमारा जब तक हमारा शरीर ना छूटे हमारे आंखों के सामने ये छवि छवि बन के रह जाए, जब तक हमारा शरीर ना छूटे। और ठाकुर जी भी कृपा किए, ठाकुर जी लो चलो दादाजी आपने ये प्रार्थना किए तो इसको भी मंजूर कर दे हम। ठाकुर जी क्या किए, पितामह विश्व के सामने खड़ा हो गया और पितामह विश्व देख रहा है आहा कृष्ण का रूप दर्शन करते करते धीरे धीरे पितामह विश्व क्या की बजे धीरे धीरे अपना शरीर को छोड़ दिए। और पितामह विश्व का शरीर पितामह अपना शरीर को छोड़ दिए। अब दुनिया का आदमी विचार कर रहे उत्तरायण के लिए 6 महीने, उत्तरायण आने तक थोड़ा टाइम था, दक्षिणायन और उत्तरायण इसमें एक सुंदर विचार है, गंभीर विचार, उत्तरायण और दक्षिणायन। दक्षिण आयन जो है इस आयन में जो शरीर छूटे उसका अच्छा गति उतना नहीं होता, ऐसा विचार है, हमारा विचार ऐसा नहीं, हमारा विषय तो ऐसा है गुरु वैष्णव किसी भी टाइम में सॉरी छोड़े वही सुंदर, कभी कुछ खराब नहीं है। और पितामह भस्य जैसा इतना बड़ा पहुंचा हुआ महात्मा है, देखो पितामह द्वादश महाजन में एक, उसका भी कोई अपेक्षा है कि उत्तरायण आ जाए तब हम सॉरी छोड़े, ये तो जगत का विचार है उत्तरायण ऐसा बोल रहे हैं। लेकिन गंभीर विचार शुद्ध विचार है कि उत्तरायण का अपेक्षा में था, किस लिए बोले उत्तरायण जो है ये कृष्ण का ही एक दूसरा नाम दे दिया। बोले कैसे उत्तरायण कृष्ण का नाम दे दिया, सूक्ष्म विचार है इसमें, बहुत गहरा विचार। बोले उत्तरायण जो विचार दिया वो महाभारत में ये विचार नहीं है, बोले ये विचार तो आपका विचार है लेकिन संत महात्मा का सूक्ष्म विचार है। बोले उत्तरायण का अपेक्षा मतलब कृष्णो का आने का अपेक्षा में था। बोलो कैसे माने निकलेगा, इसका व्याख्या है उत्तरा का गर्भे, उत्तरा का गर्भ में जो अयन शयन हुआ था प्रवेश किया था, उत्तरा का गर्भे में प्रवेश किया था ना ठाकुर जी है, इसका लिए उसका उत्तरायण जो भाव है इसका लिए व्यवहार किया गया, उत्तरा का गर्भे प्रविष्ट हो गया। इसका पाद से संत महात्मा लोग ऐसा विचार करे उत्तरा गर्भे शयनम जस्सो इति उत्तराय, कितना सुंदर देखो। अभी ये उत्तरायण का अपेक्षा में थे, कृष्ण आ गया, अभी कृष्ण का रूप दर्शन किए स्तुति किए उसके बाद अपना शरीर को छोड़ दिए।
और उसका बाद देव गंधर्व लोग सब जगह से पुष्प वृष्टि हो रहा है, सारे गंधर्व लोग नंदन कानन का पुष्प लेकर एकदम ऊपर से वर्षण कर रहा है, चलो जय पितामहेश्वर महाराज की जय, ऐसा करके तुष्टुबुर मुनयो हृष्टा कृष्णम तद गुज्झ नाम भी ततस्ते कृष्ण हृदया साश्रमाण प्रजजु पुनः। ऐसा पितामहेश्वर को ऐसा पितामहेश्वर का जी इतना निर्वाण, पितामहेश्वर का निर्वाण देखने का बाद इतना सारा शास्त्रों का वाणी विचार भगवत कथा सुनने का बाद सारे मनीषियों ने अपना अपना आश्रम को चले गए। सारे ऋषि ऋषि महर्षि इतना सा अपना आश्रम को चले गए और कृष्ण भगवान भी अभी सचमुच द्वारका को चले गए, भगवान श्री कृष्ण द्वारका को चले गए। तमादिदेवम पुरुषो पुराणम तमाल वर्णम सीतावतारम अपार संसार समुद्र सेतुम भजामहे भगवतो स्वरूपम वांछा कल्पतरु के पास सिंधु पतितानं पावन वैष्णवभ्यो नमः।